बिहार में हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आ गई है। बिहार सरकार ने राज्य में कराई गई जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई। वहीं जातीय जनगणना के आंकड़ों को जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। लोकसभा चुनाव से पहले आई जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर अब सियासत में भी तेजी आ गई, जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठाई है और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। तो आइए जानते हैं कि जातिगत जनगणना पर राजनीतिक दलों ने क्या कुछ कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार अब आर्थिक स्थिति को लेकर भी जानकारी देगी, कल के बाद धीरे धीरे और जानकारी मिलेगी, हम सभी का विकास चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस सर्वे को लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया। जातिगत जनगणना का यह रिपोर्ट कार्ड लोगों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब बिहार की सरकार में फिर से शामिल थी, जातिगत जनगणना को लेकर उसी सरकार ने निर्णय लिया था, आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, बीजेपी आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है, विश्लेषण के बाद ही हम इस पर टिप्पणी भी करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का यह फैसला नहीं, यह फैसला हमारी सरकार का ही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि वहां ओबीसी, एससी और एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 19 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं, इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी होने पर कहा कि गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बने। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। यह आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बाकी क्षेत्रों में जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो सरकार की तमाम स्कीम आरक्षण की व्यवस्था में सभी जातियों के साथ न्याय करना संभव नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार जाति आधारित जनगणना प्रकाशित, ये है सार्वजनिक न्याय का गणितीय आधार। जातिगत जनगणना 85 से 15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी और जो लोग प्रभुत्व कामी नहीं है बल्कि सबके हक के हिमायती हैं, वो इसका समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी। जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। भाजपा सरकार राजनीतिक छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। बिहार सरकार ने तो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब कौन से राज्य जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।